धन्यवाद भाई आपका। सुशील कहन लग रहा था कि गांव खेदड़ कट्ठा को नहीं होता। भाई या तो संदेश देने में कमी थी, मुरिया लुआर की बहू घरा बुलाओ भाई, या तो आपका संदेश देने में कमी थी, या फिर आए आप इस टाइम होगा जिस टाइम काम का तड़ाका था, वरना इसी बात तो कदे हो ये को नहीं खेदड़ गांव में कोई संदेश पहुंचा और उड़े 50 आदमी इकट्ठे ना पाए हो। इस गांव का भाईचारा, इस गांव का एकता आसपास के गांव में एक मिसाल कायम कर रखी। इस गांव ने इतना ठंडा गांव है हमारा, और चाहे कोई भी लड़ाई हो उस लड़ाई में हमेशा आगे रहा है, अग्रणी भूमिका में आगे होके न चालिया है। ज्यादा सा तो वही बात है, गांव की बड़ाई करांगे तो तमीनू कहोगे बलाय के ना छोरी बड़ाई करे थी, लेकिन जरूरत खेतड़ गांव की जरूरत पड़े जद भी बता दी, और पीछे आपने किसान आंदोलन में देख भी लिया था। पाऊ ने एक दिन पर्ची भी दी थी, आज भी बता दू रामरा पे मेरे ख्याल तो कोई फीस लागया कर दी, वह खेदड़ गांव वाले तुड़वाई थी। ज्यादा सा तो मैंने इन चीजा की जानकारी को नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने जानकारी है और जो मेरे गांव का इतिहास मैंने पढ़िया है, लगभग 1352 में जब तक हमारा गांव बसा था, जब तक लेके आज तक, चाहे वह लड़ाई अंग्रेजों की खेल रही हो, चाहे वह लड़ाई दूसरी कारगिल की रही हो, चाहे वह तीसरी लड़ाई कोई और रही हो, उसमें हमारे गांव का योगदान हमेशा अग्रणी रहा है। मैं बात करूं हमारे उन महापुरुषों की, कैप्टन फतेह सिंह की, या मैं बात करूं रामेर दलाल की, जिनने इस देश की सेवा करते करते, रामेर दलाल जी ने देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, और जिन तक सीख लेके, जिन तक शिक्षा लेके, जिनके मार्गदर्शन पर चल के ने मेरे गांव के आज भी युवा साथी 8 मई ने भारत बंद करने का ऐलान करा। एक बार जोरदार तालियां उन साथियों की खातिर। भाई पवन तालू अकेला तालू का बेटा नहीं था, देश की सेवा करने का जज्बा उसके अंदर था, देश में देश की व्यवस्था परिवर्तन करने का जज्बा उसके अंदर था। वो भी चाहे था सीमा पर जाके मैं भी देश की रक्षा करूं, ताकि मेरा भी नाम कितने ने कितने आवे, और ये जो पाछे भाई बैठे हैं ये भी चाहे हैं कि हम भी देश की सेवा करा। तो सारे गांव वाले आसपास वाले मिलके ने इन भाइयों का साथ दे दिया। 8 मई ने तहसील बंद करने का ऐलान है तारा, भारत बंद का ऐलान है, तो उसमें तहसील भी इन्हें ले रखी है। मेरे ख्याल से मैसेज पहुंचा था कि टोल भी बंद गए, वो जयपुर से होके आया है, इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया, जयपुर से छिड़ा था ये आंदोलन। इसके बारे में बता दूं, एक बार जाना हो जाता राजस्थान में भी इस आंदोलन शुरू होने के बाद, ये आंदोलन जयपुर की उन तहसीलों से चला था जहां हमारे सारे किसान नेता पहुंचे थे। मेरे ख्याल से खटखट टोल कमेटी दौरे को पंची मेरे दौरा संदेश आया था, मैं पहुंची थी, और वहां से इस चीज का ऐलान हुआ था कि पूरे देश के स्तर पर हम एक ऐसा काम करेंगे ताकि सरकार को ये लगे कि देश का युवा जाग चुका है और वो चाहता है कि हमें रोजगार चाहिए। पहले रोजगार के लिए कदे भी भारत बंद नहीं हुई, आज पहली बार देश के अंदर ही होने जा रहा, देश की युवा पीढ़ी इकट्ठी हो गए ना, या तो कदे भगत सिंह और ना लड़ाई लड़ी थी, या आज के भगत सिंह ये लड़ाई लड़न लाग रहे हैं, और सरकार ने जगाने का काम करा है कि मार में देश सेवा का जज्बा है और हमने मौका दे। गाओ की तय गीत बता दे भाई, फिर नहीं उलाने मिलेंगे कौन बोलेगा, या फिर मैं मेरा ही शुरू करूं। हमारे बीच में पूरा